नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड दो ऐसी कार मेकर्स हैं जो इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए दूसरे कार मेकर्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत गाड़ियां बनाती हैं। इसका एक एग्जांपल ग्लोबल एंड कैप का क्रैश टेस्ट रिजल्ट भी है, जिसमें इंडिया की टॉप 10 सेफ कार्स के लिस्ट में 7-8 कार सिर्फ टाटा और महिंद्रा की है। फॉर्चुनेटली ये दोनों ही कंपनियां इंडियन है। अगर ये भी औरों की तरह बाहरी होती तो शायद इनको भी हमारे सेफ्टी से कोई लेना देना ना होता। आज मैं आपको एक इंडियन कंपनी टाटा के 5-स्टार रेटेड हैचबैक एल्ट्रॉस का एक ऐसा एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर ये काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि इंडियन और फॉरेन कार मेकर्स के बिल्ड क्वालिटी में कितना फर्क होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी रेटिंग्स की। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि टाटा एल्ट्रॉस इंडिया की सबसे सेफ हैचबैक है, जिसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अडल्ट सेफ्टी में 16.13 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स के साथ 5 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी में 29 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स के साथ 4 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। इस कार के आप लोगों ने कई सारे एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे, लेकिन आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है। रिसेंटली मुझे कुछ न्यूज चैनल्स और फेसबुक ग्रुप से टाटा एल्ट्रॉस के एक्सीडेंट के कुछ फोटोज मिले हैं। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये एक्सीडेंट नेपाल में किसी जगह पर हुआ है, जिसमें कार लगभग 100 फीट नीचे खाई में चली गई है। कार को करीब से देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यह 100 फीट गहरे खाई में गिरी है, लेकिन जब इसकी ये वाली फोटो सामने आती है तो होश उड़ जाते हैं। इस फोटो को देखकर आप कार और सड़क दोनों की दूरी का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। एल्ट्रॉस गिरने के बाद नीचे आकर एक पेड़ में फंस गई है, जिसने इसके पूरे रूफ और फ्रंट पोर्शन को पिचका दिया है। जिस स्पीड में ये कार नीचे आई होगी, उसी स्पीड में कोई दूसरी लो बिल्ड क्वालिटी वाली कार होती तो इसमें कोई शक नहीं है कि पेड़ से लड़ने के बाद उसकी धज्जियां उड़ जाती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इंडियन मेड कार्स को औरों के मुकाबले मजबूत बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें डैमेज भी औरों के मुकाबले कम ही आएगा। इसके अलावा टाटा एल्ट्रॉस के अंदर बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो इसमें बैठे सभी लोग बिना किसी मेजर इंजरीज के सेफली बाहर आ गए, जो कि सबसे बड़ी और अच्छी बात है। सिर्फ एयरबैग्स और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स देने से गाड़ी के अंदर बैठे लोग सेफ नहीं होते हैं। अंदर बैठे लोगों के सेफ्टी के लिए गाड़ी को भी मजबूत बनाना पड़ता है, जो ज्यादातर कंपनियों से नहीं हो पाता। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।